गाइस तो बस आश्रम आ चुके हैं, तो एंट्री हम लोगों ने कर ली है और अब आपको दिखाएंगे सुधांशु आश्रम का नज़ारा। ये देखिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। आप यहाँ पर आइए तो ज़रूर, कानपुर में आइए तो बिठूर रोड कल्याणपुर से यहाँ पर विज़िट करिए। बहुत ही अच्छा प्लेस है ये घूमने के लिए। और गाइस आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है, तो उसके अवसर में हम लोग यहाँ घूमने आए हैं। और देखिए वो भैया लोग उधर खड़े हुए हैं यहाँ पर, तो बस अंदर दिखाएंगे क्या क्या है, कैसा है मंदिर। और शायद वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, देखते हैं आगे क्या होता है। गाइस बने रहिए ब्लॉग में। गाइस घूमने के लिए सबसे अच्छा प्लेस है और आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है, तो उसके अवसर में हम लोग घूम रहे हैं, विजिट किए हैं। ये देखिए भैया लोग काफ़ी इंजॉय किए हैं और इनसे अभी पूछेंगे कि ये सुधांशु आश्रम कैसा लगा, समझ रहे हैं। तो भाई बस थोड़ा टाइम लगेगा घूमने में, जल्दी जल्दी घूम के फिर इधर गंगा बैराज निकलेंगे। तो आपको दिखा दें कि ये व्यू है, अंदर शायद वीडियोग्राफी करने नहीं देते, तो गाइस अब लोग बाहर से व्यू ले रहे हैं। और देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, पीछे देखिए वो पहाड़ जैसा मंदिर है, वहाँ पे गुफा है तो वो भी दिखाएंगे। रियर कैमरा चला के ये देखिए कितना आलीशान मंदिर है, देखिए मंदिर दिखाओ आलीशान। गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा है, मंदिर है और ये सुधांशु आश्रम बोलते हैं इसको, आपको दिखाएंगे। वो रथ है पांडव का, कृष्ण भगवान का रथ है, अर्जुन का, पांच पांडव चार लक्ष्मण जी का है। ये देखिए गाइस बहुत ही अच्छा व्यू है, वो देखिए पहाड़ है वहाँ। गाइस तो हम लोग अब गुफा के अंदर जाने वाले हैं सुधांशु महाराज की गुफा में। गाइस सीन कुछ ऐसा है कि जूते मेरे थोड़े महंगे हैं, तो मुझे थोड़ा डर लगा था उनको मैं सेव करने। गाइस जूते इनके, मेरे भाई के जूते काफ़ी महंगे, तो वो उनको छिपा के रखने जा रहा है। तो बस आगे देखते हैं गुफा के अंदर होता क्या। तो गैस हम लोग गुफा के अंदर जा रहे हैं, अरे साथ में गैस तो हम लोग बस एंट्री करने वाले हैं गुफा के अंदर। काफी बड़ी गुफा है, तो भैया बहुत एक्साइटेड हैं, तो अंदर इनको थोड़ा डरा देंगे और बाकी देखते हैं। एक्साइटेड है हम, एक नई नई जगह है मेरे लिए, इनके लिए तो बिल्कुल ही नया है, हम लोग तो घूम भी चुके हैं। मेरा ओह माय गॉड, तो ये देखिए आवाज आ रही है, डरावनी डरावनी आवाज आ रही है और भैया काफी डर रहे हैं। भैया यहाँ पर देखिए बिल्कुल एकदम लग रहा है कि 1972 वाली पिक्चरों में आ चुके हैं। ये देखिए काफी एक्साइटेड है यहाँ पर अपने नन्नू भैया, और काफी ज्यादा मजा आ रही है और ये गाय माता का आशीर्वाद ले रहे हैं ये लोग। अरे ये बोला नहीं भाई, इसकी आवाज ही नहीं आई। ये देखिए शेर है यहाँ पर, ये तो बहुत अच्छा दृश्य है। अभी देखना है इनको, मतलब इतना इतनी सकरी गुफा है ये कि ये चल नहीं पाएंगे ये लोग। ये देखिए सबरी आश्रम का सीन है, मेरा बना दो। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, और ये रहे अर्धनारेश्वर। वाह गुड, इधर आशीर्वाद बेटा।
ये लीजिए। अरे यार, अरे देखो भैया, अरे फुल मूड में आ चुके हैं। अरे यार बड़ा झुक के निकलना पड़ रहा है बड़ी कठिनाइयों के साथ। एक नंबर है। यहाँ पर देखिए कितना एक्साइटेड है बंदे। क्या देखिए, सांपों की तरह देंगे निकलना पड़ रहा है। ये देखिए गाइस, बहुत मजा आ रहा है। पत्ते लाओ, ये भी खेला जाए बैठ के। अरे भाई, ये सबसे अच्छा है, मस्त मजा आ गया। वाह, देखिए व्हाट अ व्यू। खड़े हो जाओ, कोनी चलो थोड़ा आगे। यस, आ जाओ। ये क्या है? मकर में वैष्णो माता दरबार। यहाँ पे चढ़ान है। यहाँ पे चढ़ाई, ये देखिए चढ़ाई पे तो चढ़ाई हो रही है वैष्णो माता। वैष्णो माता की चढ़ाई करने के बाद, वैष्णो माता का दर्शन के बाद ये ऊपर अभी हम कर रहे हैं। और देखिए हमारे ब्लॉग की ब्लॉगिंग के साथ जरूर यही जुड़ चुके हैं और आपको नरेंद्र जी की दिखाएंगे। जय 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 हर हर महादेव। अमरनाथ चढ़ गया, अमरनाथ जी के पास आ गए। बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही मजा आ रहा है और इतना अच्छा लग रहा है, हम क्या बताए आपको। हाँ तो भैया, हमारे व्यूअर्स आप लोग भी आइए और यहाँ पर घूमिए। आप कानपुर आएंगे ना? कानपुर में इतनी जगह है घूमने के लिए। ना ना, इसको मत बुलाइएगा। यहाँ के बाबा भैरवनाथ अंत में हम लोग निकल चुके हैं इसके बाहर। देखिए, क्योंकि वो साफ दिखाई पड़ रहा है बाहर जाने का रास्ता। बहुत ही मजा आया। निकल रहा है सब लोग। व्हाट अ वंडरफुल प्लेसेस प्लेस। और भैया के शब्द फूट फूट रहे हैं। तो व्लॉग तो आपको बना लिया पूरा, सब कुछ हो गया। बस निकल रहे हैं सुधांशु आश्रम से, फिर निकलेंगे गंगावरज की तरफ। बंदे काफी थक चुके हैं और ये बंदा काफी थक गया है। वो देखिए सेल्फी ले रहा है और इसको चाहिए पानी। पानी की यहाँ पे व्यवस्था है नहीं, तो बस थोड़ी देर बाद निकल रहे हैं। और ये देखिए काफी प्यासा है प्राणी। ये ये जूस बहुत ही प्यासा है, इसको चाहिए जूस। और जूस का तो लिए जूस है नहीं मेरे पास, नेचुरल जूस मैं इसको भले ही पिला सकता हूँ। ये देखिए धनु भैया बोल रहे हैं कि ही विल सब्सक्राइब माय चैनल। सो मूड बन रहा है इनका। रात में जो मूड बनने वाला है गाइस, वो काफी ज्यादा देखने वाला होगा, क्योंकि धनु भैया का डांस एकदम डीजे वाला लग गया। हाँ, डीजे वाला। ये समझ लीजिए कि उसने थोड़ी भी अगर आनाकानी की तो लड़ाई कर देंगे धनु भैया। और अपने बिहार के सबसे ज्यादा पैसे वाले आदमी हैं और पैसे की कोई कमी नहीं है। बस ये है कि हाँ, बंदियों की भी इनके पास कोई कमी नहीं है गाइस। तो इनके लिए तो एक सब्सक्राइब बनता ही है। अगर आपको भी इनके जैसे बनना है, देखिए ऐठन देख लीजिए कितनी भरी हुई है यहाँ पर। देखिए एक मिनट पीछे नहीं देख रहे हैं यहाँ पर धनु भैया। अरे भाई ऐसा नहीं है भाई, ऐसा ये देखिए गौशाला है। ये देखिए गैस, आपको दिखा दें कि जो बंदा प्यासा था उसने पानी का जुगाड़ कर लिया है। और जानवर जो पानी जानवरों को दिया जाता है वैसी पानी में नहीं, नहीं, नहीं गलत बोल दिया मैं। गैस यहाँ पर वाटर कूलर लगा हुआ है, वाटर जाए। मैं कुछ प्राइवेसी बरतते हुए इसकी फोटो नहीं दिखा सकता क्योंकि इसने गंजा करा लिया है। तो वो बोल रहा है कि मेरी फोटो मत लीजिएगा। गाइस हम निकलने वाले हैं, तो गाइस बस निकलने वाले हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहा है और घूमने में काफ़ी मज़ा आया है। तो आप इनसे पूछ लीजिए कितना मज़ा आया है, क्योंकि बहुत मज़ा आया भाई, बहुत मज़ा आया। एक बार तुम आके तो देखो। हाँ देखिए, मज़ा नहीं आया तो फिर अपना भी चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और अगर अनसब्सक्राइब के लिए लोग बोल रहे हैं तो गाइस वो भी मैं मान सकता हूं कि अगर आपको मजा नहीं आया तो आप कर सकते हैं अनसब्सक्राइब। लगे हुए हैं, काफी ज्यादा मेहनत करते हैं एंड दे आर जस्ट हैविंग वेरी क्लीन एनवायरनमेंट इन देयर सराउंडिंग्स। दे क्लीन देयर सराउंडिंग्स वेरी मच।
गाइस वो कह रहे हैं बहुत गरीब हैं, इनके लिए भी एक सब्सक्राइब बनता है। कोई बात नहीं भैया, मेहनत करिए। चल रही और यहाँ पर देखिए दो निपरी स्पॉट किए गए हैं, स्पॉटेड ये देखिए अपने ये लोग काफी देर से वेट कर रहे हैं, ये अपना गुस्सा निकालना चाह रहे हैं। चार आइसक्रीम खत्म कर दिए हम लोग। गाइस यहाँ पर चोखा बाटी का प्रोग्राम चल रहा हुआ और यहाँ पर आ चुके प्रो प्लेयर इन द लॉबी गिडोरा किंग गिडोरा। चार के केडी है इनका, ये एक के केडी है, ये दो की केडी है, केडी वाले हमारे लालू। ये देखिए ये दो और चार साढ़े चार की केडी हो गई, साढ़े चार केडी और डेढ़ की पांच की केडी। अरे ना ना कम हो गई है, साढ़े तीन की हो गई है। ये पांच की केडी वाले भैया है, पहला सीजन में पिछला सीजन में था। यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये लोग चोखा पका रहे हैं, देखिए लहसुन इतना सारा लहसुन पड़ा हुआ है। क्या पीस रहे हैं भैया, क्या कूट रहे हैं? अदरक, अदरक कूट रहे हैं भैया। ये चोखा बाटी में एकदम जायका देते हैं। और ये आंटी जी ये क्या तैयार हो रही है? बाटी तैयार हो रही है, बाटी तैयार हो रही है, वो देखिए आंटी जी बाटी तैयार कर रही है। और ये क्या भरा है आपने? सब्जी भरी हुई है। ये देखिए ये पूरा आइटम है। ये क्या डाल रहे हैं भैया? ये भाता डाल रहा है, सलाद डाल रहा है। या ये यहाँ आपकी फेमस है ना? ये बहुत फेमस है। कितने रुपए का भैया पता है? 30 रुपए पीस है भैया। कितने रुपए का? 30 रुपए 30 रुपए 30। अरे भैया देखिए कितना सस्ता लगाया हुआ है यहाँ पर इन्होंने, 30 रुपए का पत्ता है, बिल्कुल आनंद आ जाएगा। सलाद वगैरह सब कुछ है, देखिए कितना अच्छा। देखिए कितना नेचुरल नजारा है।
ये गाइस बहुत ही भूखे हैं ये सारे भाई लोग, तो बस सबसे ज्यादा भूखे ये हैं। देखो बाटी अभी आई नहीं और चोखा खत्म कर दिया इन्होंने। ये है बिहार का टेस्ट, यहाँ पर लेने आए हुए यहाँ बिहार से। ये भी अभी तड़पते धड़कते आए हैं यहाँ पे, देखे बिहार की बड़ी है चीजें तो एकदम ठीक पड़े। धनु भैया कुछ बिहारी में बोलिए इसको, ये धनु भैया मेरा शुभ सहकारी ब्लॉग है, गाली मत दीजिएगा। यही ससुरा पगलाइल बटे लिट्टी चोखा खाए खाते, देखा हम अभी लिट्टी आई ना कि चोखा खत्म कर दिलस। ये देखिए ये था बिहारी टच, बिहारी कैसे मजा आएगा। चलो ये देखिए इन्होंने ताजे ताजे अमरूद ले लिए हैं, और ये देखिए बिहार से कानपुर अमरूद खाने के लिए आए हुए हैं। माजी भी और सर्दी भी बचा रहे हैं। गोलू हमारा स्मार्ट आदमी, इनको दिखाइए। यो यो इनका भी ब्लॉग तैयार होगा, ब्लॉग बना रहे हम चला लेंगे। धीरे भी है ना।